नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा आगरा के नगर निगम सदन कक्ष में आगरा की नवनिर्वाचित महापौर हेमलता दिवाकर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य कमल सिंह वाल्मीकि ने अपने संबोधन में आगरा नगर निगम में नियमों को ताक पर रखकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा की गई 25 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात को मंच से कह दिया। इतना ही नहीं, कमल वाल्मीकि ने महापौर को मंच से संबोधित करते हुए बताया कि नगर निगम में कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर खुली लूट हो रही है, जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी के गुर्गे लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के अध्यक्ष दिलीप उत्साही ने भी 15 सूत्री मांग पत्र महापौर को सौंपकर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को महापौर के सामने मजबूती के साथ उठाया। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा ने कर्मचारियों की सभी समस्याओं के समय पर निस्तारण का भरोसा दिलाया, वाल्मीकि समाज के नेताओं को दिया। इसके साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध की गई भर्ती की जांच कराने का भरोसा भी दिया। महापौर ने अपने संबोधन में वाल्मीकि समाज से अपील की कि वह उनका सम्मान समस्या ग्रस्त बस्तियों में बुलाकर करे, जिससे वह सम्मान के साथ साथ बस्तियों में व्याप्त समस्याओं को भी अपनी आंखों से देख सके। महापौर के भरोसे पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने अभिवादन किया। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के सम्मान समारोह की अध्यक्षता वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता झिल्लोराम वाल्मीकि ने की, वही संचालन सोनू चौहान ने किया। महापौर के साथ मंच पर पार्षद राकेश कन्नौजिया, पार्षद MS संतोष, पूजा वाल्मीकि प्रमुख रूप से मौजूद थे। आगरा से न्यूज नाइन भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के द्वारा स्वागत समारोह रखा हुआ, उसमें हमारे साथ हैं सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य उत्तर प्रदेश के श्रीमान कमल वाल्मीकि जी, हम बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक श्रीमान झिल्लो जी और हमारे सभी पार्षदगण। और आपने देखा हुआ, उन्होंने कुछ एक मांग भी रखी हुई है कि जो यहाँ पर संविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए, और जो सफाई कर्मचारियों के कुछ कुछ और बत्ते बत्ते भी रह गए हैं वो उन्होंने मुझे ज्ञापन के रूप में मुझे दिए हैं। मैं इन्हें विश्वास दिलाती हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मैंने मुख्यमंत्री जी के पास इनका जो विषय है वो रखकर इनकी समस्याओं का हल जरूर कराऊंगी। मंच से एक मांग थी कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा 25 कर्मचारियों की यहाँ भर्ती जो की गई है, कंपनी ने कहा है कि वह कर्मचारी हमारे नहीं। अभी कमल जी ने ये बात उठाई है, उस पर मैंने एक ऐसा अभी बैठक करूंगी और उसमें संबंधित विभाग के अधिकारी को बुलाती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, कितने कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं और किस समाज के करे गए हैं, और क्या इनकी प्रॉब्लम है, आगे आगे ये व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो उनको हटा भी सकते हैं हम लोग। मेरे साहब 18 वर्ष से यहाँ संविदा के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि उनका जो PF है वो अभी तक काटा नहीं गया, और जानकारी नहीं कि वो सैलरी में से कटता है, लेकिन जमा कहाँ है उन्हें कोई जानकारी नहीं। हाँ, ये मुद्दा मेरे पास अभी भी आया और मैं इसकी अभी जाँच कराती हूँ। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जिला आगरा के बैनर पे वाल्मीकि समाज की ओर से आगरा से अभी दो महापूर्व आगरा की जो है नव निर्वाचित महापौर जी हैं उनका स्वागत कार्यक्रम वाल्मीकि समाज की ओर से रखा गया था, और आज समाज की ओर से जो स्वागत कार्यक्रम रखा गया है उसमें हमने अपना अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के लेटर पैड पे वाल्मीकि समाज की कुछ मांग 5 सूत्रीय मांगे हैं वो हमने मांग पत्र माननीय महापौर जी को और राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य माननीय कमल सिंह वाल्मीकि को हमने अपना मांग पत्र दे रखा है। और हम ये कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, स्वागत समारोह के माध्यम से, जैसा अभी बहन हमारी महापौर जी ने कहा है कि आगे से अगर कोई कार्यक्रम होता है या आप बुलाना चाहते हैं तो आप मोहल्ले में बुलाएं, हम मोहल्लों में बुलाएंगे। हम महापौर जी की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम था वो इस प्रकार से था कि आज वाल्मीकि समाज के स्तर से अपनी बहन महापौर जी को जो है एक मांग पत्र जो देना था वो इसलिए देना था यहाँ बुला करके कि हम जितना विस्तार से अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं उतना हम अपनी बात का विस्तार पूर्वक जो है मोहल्लों में नहीं रख पाते, इसलिए हमने जो मांग पत्र दिया हुआ है इसमें इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं
कि हमारी बहन महापौर जी उस मांग पत्र को लेकर के उस पर मनन करें, चिंतन करें, विचार करें और उसको जो है मनन चिंतन विचार करते हुए उन्होंने भरोसा दिया है कि आपने जो मांग पत्र दिया है उसमें जो भी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए हमें अपने स्तर से जो है करना होगा तो वो अपने स्तर से करने को एग्री है और जो शासन लेवल से बात होगी वो शासन लेवल से हम भेजेंगे और उसको शासन लेवल से करवाने की हमें आश्वासन दिया है। तो हम यहाँ जो है आज इसीलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ नगर निगम में बड़े चरम सीमा पर भ्रष्टाचार पनपा हुआ है। आगरा का जो नगर निगम का शासन अधिकारी अतुल भारती वो बिना पैसे के कोई भी नियुक्ति नहीं कर रहा है। यहाँ नगर निगम में आउटसोर्स की मैं माननीय बहन महापौर जी से अनुरोध करता हूँ कि मैंने हालांकि अपने मांग पत्र में लिख के नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा मेरी इस बात पे भी ध्यान दें कि आगरा नगर निगम में जो शासन अधिकारी है अतुल भारती वो यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज को आपस में टीका भड़का करके गुटों के रूप में बांट करके वो यहाँ विवाद कराना चाहते हैं और कोई भी नियुक्ति कोई भी कार्य उनका बिना पैसा लिए कार्य नहीं होता है। तो मेरा अनुरोध है बहन अपनी महापौर जी से कि वो समाज इसमें उनके भी खिलाफ शासन को लिखा पढ़ी करें। मैं आगे से बहन जी को मिलूंगा, महापौर जी को मिलूंगा और एक मांग पत्र में पुनः अलग से दूंगा। आज अखिल भारतीय बाल्मीकि महापंचायत के जिलाध्यक्ष दिलीप साई जी, चमन चोटीला जी, संजय जी, इन सब लोगों ने मिलकर महापौर जी का स्वागत किया है, साथ में हमारा भी स्वागत किया है। इसमें हम लोग आए हुए एक मांग पत्र माननीय मेयर साहब को दिया गया है, उसमें क्या क्या समस्या रहेंगी? जो निम्नलिखित समस्या मांग पत्र में वो समूची पूरी करी जाएंगी, मैं ऐसा विश्वास महापौर जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिलाता हूँ। आपके द्वारा भी एक विषय महापौर जी के संज्ञान में लाया गया है कि 25 कर्मचारियों की जो भर्ती की गई है द्वारा और उसमें कंपनी ने मना कर दिया, वो विषय आपने क्या विषय? नहीं, उसमें जो है नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने जो मांग करके जो भर्ती करी है वो सुनने में आया है कि वो गलत है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत पैसा लिया गया है और जो अग्रवाल कंपनी ने अपने लेटर पैड पर लिख के दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, कोई दुर्घटना होती है तो इसमें फिर नगर स्वास्थ्य अधिकारी या जिम्मेदारी लें अगर किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना होती है तो। महापौर जी ने क्या भरोसा दिया? महापौर जी ने भरोसा दिलाया कि इसमें जाँच करके कार्रवाई करी जाएगी अगर गलत है तो। ठीक है, 2024 लोकसभा चुनाव में लोकसभा सुरक्षित सीट पर समाज एवं पार्टी के जुझारू संघर्षी कर्मठ एवं निष्ठावान करते हुए साथ ही यहाँ हमारे बीच उद्घाटन करता सफाई कर्मचारियों के सम्राटी समाज के। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।